नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लगातार हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव में अपनी रुझान यानी अपना सीट पक्का कर रहा है, लोगों का रुझान किस ओर है, किस विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी का रुझान जो मतगणना जो हो रहे हैं उसमें लगातार अपने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतगणना जा रहा है, ये तमाम सीटों से आपको चीजों से आपको अवगत करा रहे हैं। सुबह से पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि परमंडल के तमाम सीटों पर जो है धीरे धीरे सामने सब कुछ निकल कर आ रहा है। ऐसे में डाल्टनगंज विधानसभा से आलोक चौरसिया काफी मतों से आगे बढ़ चुके हैं और लगातार ये जो है लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर है यहां से केएन त्रिपाठी। जबकि हम विश्रामपुर विधानसभा से बात करें तो वहां से भी बीजेपी का है जो है रामचंद्र चौरसी आगे हो गए हैं, यानी कहीं ना कहीं तख्ता धीरे धीरे पलट हो रहा है। और जैसा कि वहां से दूसरे प्रत्याशी थे लेकिन अब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र चौरसी विश्रामपुर विधानसभा से आगे हो चुके हैं। और बात करेंगे अगर छतरपुर विधानसभा से तो यहां से भी भाजपा के यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्पा देवी अब आगे की ओर जा रही है, यानी रुझान उसके तरफ जा रहा है। और भी बात करेंगे अगर हम हुसैनाबाद को तो यहां से एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है कमलेश सिंह, वो लगातार आगे जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे विश्रामपुर हो गया, छतरपुर हो गया, डाल्टनगंज और पांकी विधानसभा का, तो यहां से डॉक्टर शशिभूषण नेता काफी मतों के अंतर से अपनी जीत बढ़त बनाए हुए हैं। और जबकि यहां से भी दूसरे पायदान पर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह और बिट्टू सिंह है। इन तमाम चीजों पर एक बात तो सामने आया कि जहां पर लगातार महागठबंधन आगे की ओर था शुरुआत रुझान में, अब वो धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा। और यहां से भारतीय जनता पार्टी पलामू जिले के 5 विधानसभा सीटों में हो रहे मतगणना में 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ बता दें गढ़वा जिले में 2 विधानसभा है, गढ़वा विधानसभा नगर विधानसभा, तो गढ़वा विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, काफी मतों से वो आगे बढ़ चुके हैं, लगभग 13,000 मतों से वो आगे अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। और नगर की बात करें तो नगर से भानु प्रताप शाही करीब 26,000 वोटों से वो आगे बढ़ चुके हैं, उनको पीछा करना बहुत अब मुश्किल होगी क्योंकि अनंत प्रताप देव दूसरे पायदान पर यहां से निर्दलीय प्रत्याशी है। और हम अगर लातेहार विधानसभा की बात करें, मनिका विधानसभा की बात करें, तो लातेहार से भी लगातार बैजनाथ राम आगे की ओर है, लगभग 5,000 मतों से वो आगे बढ़ चुके हैं। दूसरे पायदान पर है प्रकाश राम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। जबकि हम अगर मनिका विधानसभा की बात करें तो सुबह से मनिका विधानसभा में रामचंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और इस तरह परमंडल के जो 9 सीट है, पलामू जिला, गढ़वा जिला और लातेहार मिलाकर के इन 9 सीटों पर 5 सीटों पर भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार आगे की ओर जा रहे हैं। जैसा कि सुबह में आपको हमने बताया था कि परमंडल के 3 सीटों छोड़ करके, कभी तो ऐसे समय भी आए कि 2 सीट छोड़ करके तमाम सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी आगे थे, लेकिन अभी वो वक्त बदलता गया, मतगणना का फेज बदलता गया और धीरे धीरे भाजपा का जो है रुझान लोगों का तरफ आते जा रहा है। ऐसे में अभी कहना मुश्किल होगा कि किसकी होगी जीत, लेकिन किसकी हो गया, लेकिन महागठबंधन अब यहां से खिसकता हुआ नजर आ रहा है परमंडल के 9 सीटों पर से, क्योंकि यहां पर अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बना लिए, यानी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और 4 सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी अभी भी बढ़त बनाया हुआ। महागठबंधन 3 प्रत्याशी पर 3 पर है जबकि एनसीपी पर 1 जो है प्रत्याशी जो है बढ़त बनाए। ऐसे में कहना बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन परमंडल की तमाम सीटों पर अभी के जो ताजा तरीन खबर है वो यही है कि 9 सीट में 5 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाया है, 3 सीटों पर महागठबंधन और एक सीट पर एनसीपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार मतगणना जारी है, लगभग 2 ऐसे सीट हैं जैसे नगर भवनाथपुर जहां 25,000 मतों से काफी अंतर से भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़ गए हैं, जबकि आलोक चौरसिया डाल्टनगंज से भी लगभग 20,000 मतों से वो आगे की ओर निकल गए हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अभी मतगणना जारी है और बाकी भी बात भी जारी है और बात भी होते रहेगी, लेकिन फिलहाल इतना ही सब कुछ क्योंकि अभी तक की स्थिति यही बनी हुई है। धन्यवाद।